हमारे में जो काबिलियत रहती है ना, उसकी परख हमें नहीं होती है, हमसे पहले किसी और को हो जाती है। अबे उभी मारू मोटू सोचू बेच, जा मेरे लिए कोई चटपटा चूरन ले क्या, एक कड़वी दवाई खा के मेरा मुंह कड़वा हो गया है, जा ले। पढ़ाई करना कुछ, मेरा मन कहता है कि मुझसे छुप छुप कर घर में कुछ बात हो रही, पर याद रखना मैं फर्नीचर पर बैठूंगी पर फर्नीचर बनूंगी नहीं। हाँ मिस्टर हर्षुक ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मी पुरोहित के नाम ट्रांसफर कर दिया। हर्षुक के फैसले के साथ सहमत हूं, पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मी के नाम ही रहेगी। गलत किया हर्षुक भाई, बहुत गलत किया आपने। विजय तस्वीर क्यों तोड़ दी? अरे मैं तो कहती हूँ रिश्ता ही तोड़ दो। हद कर दी हर्षुक भाई और बापूजी ने, इंसल्ट पे इंसल्ट, समझ रहे हो ना तुम? अपना होते हुए भी पराया महसूस करवाया है उन्होंने मुझे आज। हर्षुक भाई ऐसा करेंगे, मालूम था वो ऐसा ही करेंगे मेरे साथ, लेकिन लेकिन बापूजी ने ऐसा किया मेरे साथ। मैं तो उनका अपना खून हूँ, वारिस बनने लायक हूँ, फिर भी ये सब लक्ष्मी को दे दिया, क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों विजय? ये सारी बातें बैठकर शांति से भी तो की जा सकती है। हर्षुक के फोटो पर गुस्सा क्यों कर रहे? तो क्या करूं बाबूजी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। पावर ऑफ अटॉर्नी हर्षुक भाई को देते वक्त आपने कहा था कि इस घर में जो सबसे बड़ा होगा उसे ये हक पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी। हर्षुक भाई की तबीयत ऐसी है, बीमार है वो, उसके बाद तो घर में सबसे बड़ा भाई हुआ ना, फिर भी आपने नहीं। बेटा गलत कह रहा हूँ, आज भी इस घर में सबसे बड़ा मैं, और इसी हक के साथ मैं ये अधिकार लक्ष्मी को सौंपना चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मेरी बात मानोगे ना, मेरे फैसले मानोगे ना। विजय बेटा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या चल रहा है मतलब? मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा है, अब तो शू मांडू छे। जब तक दिन में चार बार शक नहीं करोगी तब तक खाना जब नहीं होगा तुमसे, है ना? कुछ नहीं, वो सूरज को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, पर वो तो तुम्हें पता है, और कुछ नहीं चल रहा है। चल तो अब इस घर में मेरा भी नहीं रहा है। क्या दिन थे वो, मेरे विचार दिल में आए नहीं और उससे पहले उसका अमल हो जाता था। अब तो मेरा हर्षुक ही है जो मुझे हथेली पे रखता है, न जाने वापस कब आएगा वो।
अब तुम्हें कैसे बताऊं? हर्षुख वापस घर तो आ गया है, लेकिन हमारे बीच लौटा नहीं। परेशान फराक, परेशान रहना बैठ। खुश रहना गुड, हमेशा ऐसे रहना चाहिए खुश। महिन भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको क्या लगता है, ये पापा का डिसीजन सही है? लक्ष्मी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगी? जब तुम कंफ्यूज या परेशान रहते हो तो इसके पास जाते हो, पापा के पास, और आज उन्हीं के डिसीजन पे तुम्हें शक है। शायद आप ठीक कह रहे हो, पापा का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं लक्ष्मी क्या डिसाइड करती है। अगर लक्ष्मी पेपर साइन कर देती है तो सब लोग खुश। चौबीस घंटे देता हूं बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। माँ, जो हो रहा है वो सही नहीं है। बापूजी के बदले मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ? उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मेरी मदद कीजिए ना माँ, दादाजी ने मुझे 24 घंटे की मोहलत देके मुझे दुविधा में डाल दिया है। माँ मुझे बताइए ना, मैं क्या करूँ? माँ ये मेरा हक नहीं है, ये पराग जी और सूरज का हक है। उसका नाम भी मत लेना, मेरा बेटा होने का अधिकार भी खो चुका है वो। चल, तेरी दुविधा दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। जिन्होंने फैसला लिया उन्हीं से पूछ ले इनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों तुझे मुश्किल में डाला। और ये भी कह दे कि आज पहली बार इनका फैसला गलत साबित हो चुका है। कह दे इनसे कि इन्होंने जो तेरे अंदर काबिलियत देखी वो गलत है। क्या कह रहे थे तुम? इन्हें अगर जल्दी से ठीक करना है तो इनके सामने वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा जैसा सब कुछ इनके सामने हो रहा है और इनके हिसाब से हो रहा है। तो फिर कह दे इनसे कि ये गलत है।
इन्हें भी पता चलना चाहिए कि जो लक्ष्मी इनकी हर बात को बिना कुछ कहे मानती थी, यहां तक कि इसके पति को जब घर से बाहर निकाला गया तब भी इसने कुछ नहीं कहा, और आज उसी लक्ष्मी को आपका यह फैसला गलत लग रहा है। मां, मेरी तरफ क्या देख रही है? इनकी तरफ देख और कह दे इनसे कि तू पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। ये मत सोचना कि इनको क्या लग रहा है, बोल नहीं सकते, वो सिर्फ सुन सकते हैं, डांटेंगे भी नहीं। मां, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मां। आज अगर ये होश में होते बोल सकते थे तो क्या तू इनके फैसले को मानती नहीं? तो फिर आज क्यों नहीं? कोई आपकी बात समझे या ना समझे, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझती हूं और जानती हूं कि आपने जो फैसला किया है सही किया है, लेकिन मुझे माफ करना, आपके मन में जो बात थी मैं लक्ष्मी को समझा ना सकी। बापूजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी सलाह और आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बापूजी के उसूलों के मार्ग पर चलना, तुझे सुख शांति और सफलता जरूर मिलेगी। लूज 5 किलोज इन 1 मंथ, वाओ। मॉम को बताती हूँ, बहुत खुश होएगी। मॉम, मॉम, वजन कम होने के 5 नुस्खे देखो ना। हाय मेरा मैगजीन। कुछ ही घंटों में लक्ष्मी साइन कर देगी, उसके बाद वजन कम हो ना हो हमारे हक जरूर कम हो जाएंगे। आई टेल यू मॉम, ये सूरज यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। वो तो है ही सबसे बड़ा झोल मास्टर, वो तुम्हें जरूर कोई अच्छा आइडिया दे ही देता। मेरा मैगजीन खराब कर दिया। सूरज,
मैं देख के आता हूँ। आप यहाँ? और आपको कैसे पता चला कि मैं निखिल के घर पे हूँ? तुमने हमसे रिश्ता नहीं रखा तो क्या हुआ सूरज? मासी हूँ मैं तुम्हारी। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, समझी आप? ये क्या कह रहे हो? इन पैसों की तुम्हें जरूरत नहीं है? पैसों के लिए तो तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया। साफ साफ कहिए आप यहाँ क्या लेने आई हैं? अभी भी भोलेपन का नाटक कर रहे हो? तुम जानते थे ना कि हरसुख भाई ने पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम कर दी है। पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम? ये सब कुछ जानने के बाद तुम उस दिन तमाशा करने आए थे। जानबूझकर तुमने हरसुख भाई को धक्का दिया ताकि वो मर जाए। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच गए। अब उनके कोमा में जाने के बाद पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम हो गई। बस कुछ ही देर में वो साइन करने वाली है। और तुमने ये सोचा कि ये गवाह लक्ष्मी की क्या ताकत? लक्ष्मी के पति होने के नाते सारी पावर और सारी जायदाद तुम्हारे हाथ लग जाएगी। चुप हो जाइए वरना। वरना क्या? वरना क्या तुम मुझे भी मारने की कोशिश करोगे? काकी जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं लाख बुरा हूँ लेकिन इतना बुरा नहीं हूँ कि पैसे की खातिर अपने पापा को ही सब। क्या फायदा सूरज, दुनिया तो यही मानेगी ना। और कैसे साबित करोगे अपनी सच्चाई? लक्ष्मी को रोककर पेपर्स पर साइन लक्ष्मी करेगी लेकिन नाम मेरा खराब होगा। लक्ष्मी पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेगी। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें देखकर ये पता चलता है कि पैसों के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐश करो, वैसे कल सुबह तक लक्ष्मी पावर ऑफ अटर्नी साइन कर ही देगी। ऐसा नहीं हो रहा तुम लोग। मेरे पास मेरी सच्चाई साबित करने का आखिरी मौका है। लक्ष्मी इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। लक्ष्मी पुरोहित, मुझे तुमसे मिलना है। सूरज, आप ऐसे बैठ क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी है ना तो फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। सूरज, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? इतनी रात हो गई है और घर में माँ। लक्ष्मी तुम ठीक है? अगर तुम अभी नहीं मिल सकती तो तुम्हें सुबह मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं मार्केट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई ना मैं घर पे आके हंगामा करूंगा। याद रख। सूरज, सूरज, सूरज मुझसे मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना?